हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम म्यांमार की करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कूप डी अटैट आखिर कहते किसे हैं। तो जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट को सडनली ओवरथ्रो कर दिया जाए तो उसे कूप डी अटैट या तख्ता पलटना कहते हैं। म्यांमार इनिशियली भारत के सदर्न हिस्से का एक पार्ट था और बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1937 में इसे ब्रिटिश इंडिया से कार्व आउट कर एक सेपरेट कंट्री बना दी गई। 1948 में ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस के बाद 2011 तक यहाँ मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश थी और इसी दौरान वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलिट्री के ही थ्रू ड्राफ्ट की गई। तो ये थे म्यांमार से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आइए अब करंट सिनेरियो को देखते हैं। तो 2020 में जनरल इलेक्शंस हुए। इसमें NLD वर्सेस USD पार्टी में से भारी बहुमत के साथ आंग सान स्यू की NLD पार्टी को विक्ट्री मिली, पर वहां की अथॉरिटेटिव मिलिट्री ने इलेक्शंस को अनफेयर बताया और 9 मिलियन डुप्लीकेट वोट्स का एलिगेशंस भी लगाया। मिलिट्री ने वहां के इलेक्शन कमीशन को 1 फरवरी तक इलेक्शंस को फेयर और रेगुलर प्रूफ करने का डेडलाइन भी दिया, पर इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम रही। इसके रिजल्ट में वहां 1 साल तक स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और साथ ही साथ आंग सान स्यू की को डिटेन भी कर लिया गया है। अब वहां सारी पावर्स कमांडर इन चीफ मिन ऑंग लैंग के पास आ गई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजर हैं डेमोक्रेसी के। इसके आउटकम में पैसेंजर फ्लाइट्स, मोबाइल इंटरनेट और स्टेट ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आंग सान स्यू की अब वहाँ की प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाएंगी म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज की वजह से। इन सब के बाद जहाँ भारत, USA जैसे कंट्रीज के लीडर ने इस एक्शन को कंडेम किया है, चाइना ने इसे दूसरी तरफ कूप डी अटैट मानने से ही इनकार कर दिया है और UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर अपनी रूथलेस डिप्लोमेसी को एक बार फिर साबित कर दिया है। तो ये थे म्यांमार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो या थैंक यू सो मच।